नमस्ते वेबमास्टर्स, हमारी इस वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। शोएब ने हमसे पूछा है, एक पेज पर कितने लिंक होना ठीक है? क्या एसईओ पर अत्यधिक लिंक का कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो शोएब जी, शुक्रिया आपके सवाल के लिए। आपके सवाल का दो तरीकों से उत्तर दिया जा सकता है। पहला, आपकी वेबसाइट पर आने वाली लिंक्स यानी कि बैकलिंक्स की तरफ से, और दूसरा आपके पेजों से बाहर जाती हुई लिंक्स यानी कि फॉरवर्ड लिंक्स की तरफ से। तो बैकलिंक्स के लिए हमारे पास लिंक की संख्या पर कोई सीमा नहीं है जो आपके पेज पर आ सकती हैं। अगर कोई पेज लोकप्रिय है, पॉपुलर है, तो कई साइट उससे लिंक करना चाह सकती हैं और हम इसे रोकना नहीं चाहते हैं। वैसे भी अगर आपकी साइट की बैकलिंक्स ऑर्गेनिक हैं और आप किसी लिंक स्कीम का हिस्सा नहीं हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बैकलिंक्स की संख्या ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिसे आप वैसे भी नियंत्रित कर सकते हैं। जहां तक फॉरवर्ड लिंक्स की बात है, तो फिर से कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसे हम एक सीमा के रूप में सेट करते हैं, लेकिन हमारी सिफारिश यही है कि पेज पर एक उचित संख्या में लिंक्स होनी चाहिए। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पेज पर 200 लिंक हैं, तो एक यूज़र के नज़रिए से ये वास्तव में ख़राब अनुभव होगा, क्योंकि वो आपके पेज पर कंटेंट की तलाश में आए हैं, ना कि सैकड़ों लिंक देखने के लिए। ये सब होते हुए भी ऐसे मामले हो सकते हैं जहां आपकी साइट को सैकड़ों लिंक डालनी पड़े, जैसे किसी डायरेक्टरी के केस में। हमें उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। अगर आपके पास आगे कोई भी और प्रश्न है, तो आप हमारी जी प्लस इंडिया कम्युनिटी या हमारी वेबमास्टर हिंदी प्रोडक्ट फोरम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। इनकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा ही एक और वीडियो हम जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।